फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने गृह लक्ष्मी के पेंडिंग अमाउंट के बारे में आपको एक नया अपडेट दिया था, और उस अपडेट में मैंने कहा था कि जितने भी पेंडिंग अमाउंट है वो बहुत जल्द DPT होना शुरू हो जाएंगे। उसमें स्पेशली जो है जुलाई मंथ का अमाउंट बहुत जल्द आएगा, इस तरह से मैंने कहा था। आज इसी बारे में आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि जुलाई मंथ के अमाउंट बहुत जल्द आपके अकाउंट्स में DPT होंगे। तो फ्रेंड्स, जानते हैं डिटेल्स इस वीडियो में, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो न्यूज़ मिलती है, जो गवर्नमेंट की अपडेट होती है, वो मेरे चैनल पर ही मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जुलाई मंथ के अमाउंट गृह लक्ष्मी स्कीम के बहुत जल्द आपके अकाउंट्स में DBT होने वाले हैं। ये नया अपडेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में आया हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हो सका तो जुलाई और अगस्त का एक ही मरतबा DPT होगा, अगर नहीं हो सका, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, तो इसके बजाय जो है जुलाई मंथ का अमाउंट तो अगले हफ्ते 8-10 दिनों में आपके अकाउंट में DBT हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, मगर कन्फर्म जो है 8-10 दिन में आपका अमाउंट आपके अकाउंट में DBT हो जाएगा। के अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू होगा, तब फौरन मैं आपके सामने इसका अपडेट लाऊंगा प्रूफ के साथ कि गृह लक्ष्मी का अमाउंट जुलाई मंथ का अकाउंट्स में आना शुरू हो चुका है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सही वक्त पर न्यूज़ मिल जाएगी कि अमाउंट DBT हुआ है या नहीं। आप मेरे पिछले वीडियोस पे अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने गृह लक्ष्मी हो, अन्ना भाग्या हो, या युवा निधि हो, इसके बारे में किस तरह से अपडेट दिया। उसी तरह से हुआ, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अपडेट, उस तरह का अपडेट मैंने आपके सामने लाया और सही वक्त पर जो है अमाउंट DBT होना शुरू हो चुका है पिछले महीने से, जिस तरह से अगस्त 9 से बैलेंस अमाउंट एक मंथ का आया है। अगले हफ्ते का वेट करें, अगले हफ्ते तक जो है 8 या 10 तारीख तक अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा जुलाई मंथ का। अगर हो सका तो जुलाई और अगस्त दोनों का भी आएगा, नहीं हो सका, कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, तो सिर्फ जो है जुलाई मंथ का अमाउंट तो 100% आपके अकाउंट में आना शुरू होगा। और जब आना शुरू होगा तो मैं आपको इंटीमेट ज़रूर करूँगा मेरे चैनल पर। और सरकार ने यह भी अपडेट दिया है कि जब अमाउंट आना शुरू होगा, जिस किसे भी अमाउंट नहीं आया, जिसे भी अमाउंट नहीं आया, वो जो है गृह लक्ष्मी हेल्पलाइन नंबर 1902 को कॉल कर सकते हैं। जब भी अमाउंट आना शुरू होगा तो मैं आपको इंटीमेट करूँगा, 2-3 दिन के बाद अगर आपका अमाउंट नहीं आया शुरू होने के बाद, तो आप हेल्पलाइन को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि अमाउंट क्यों नहीं आया, और उसका स्टेटस भी आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि आपको प्ले स्टोर में जाकर कर्नाटका DBT ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप गृह लक्ष्मी का स्कीम का अपडेट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेश न्यूज़ ये है दोस्तों कि जुलाई मंथ का गृह लक्ष्मी का अमाउंट बहुत जल्द आपके अकाउंट में आना शुरू होगा, और जब आना शुरू होगा तो मैं आपको मेरे चैनल पर अपडेट दूंगा। आप वेट करते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।